नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, साल 2024 का सबसे बड़ा और आखिरी भयंकर चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लगने जा रहा है। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में और कई राशियों पर भयंकर प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। इस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा, जिसकी वजह से कई राशियों पर अपना भयंकर प्रभाव डालने वाले हैं। वहीं कई राशियां ऐसी हैं जिनकी इस चंद्रग्रहण के बाद से किस्मत चमकने वाली है और उनकी लॉटरी लगने वाली है। आखिर कौन कौन सी है वो राशियाँ जिनका भाग्य उदय होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये चंद्रग्रहण भारत में कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसका सूतक समय क्या होगा और इस दौरान वो कौन से पांच कार्य हैं जिनको आपको करने से बचना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप भी अपने जीवन में शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम शनिदेवाय नमः लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस ग्रहण के प्रभाव से देश में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसे कि तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। दोस्तों, 18 सितंबर को पड़ने वाला चंद्रग्रहण कब कहाँ, इसका सही समय और सूतक काल, इसके अलावा कौन कौन सी राशियाँ भाग्यशाली रहेगी और किस प्रकार का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम आपको सारी जानकारी देंगे। इसके साथ ही ये भारत के कौन से हिस्से में दिखाई देगा और किन किन देशों में भी दिखाई देगा, ग्रहण का सूतक काल का समय और ग्रहण काल में बढ़ती जाने वाली उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, उन सभी शुभ कार्यों के बारे में बताएंगे जो वर्जित रहता है और जो करने योग्य है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पर इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ अपने जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, साल का आखिरी चंद्रग्रहण बुधवार 18 सितंबर 2024 में होगा। ये चंद्रग्रहण 18 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:11 पर लगेगा और सुबह 10:17 पर समाप्त होगा। चंद्रग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 4 मिनट की है। सूर्य ग्रहण के विपरीत चंद्रग्रहण पृथ्वी के रात्रि पक्ष में कहीं से भी दिखाई देते हैं। जिन क्षेत्रों में ये ग्रहण देखा जा सकता है उनमें यूरोप, एशिया का अधिकांश भाग, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिका शामिल है। इन क्षेत्रों में ग्रहण के विभिन्न चरणों को देख पाएंगे। बशर्ते मौसम की स्थिति अनुकूल ही ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल लागू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब भी ग्रहण पड़ता है तो इसका कुछ न कुछ प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है। ऐसे में कुछ सावधानियां हमें ग्रहण के दौरान लेनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दौरान बच्चे और रोगी जो बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं, इन्हें छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान खाने पीने के पदार्थ में तुलसी दल रखना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय
गर्भवती महिलाओं को लिक्विड के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी जब तक ग्रहण पड़े उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहाँ तक कि चौखट और दहलीज भी नहीं लांघना चाहिए। साथ ही सुई, कैंची, चाकू, छुरी का इस समय यानी जो धारदार वाली जो चीज़ है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्जित है यानी जो काटने वाली चीज़ है उसको बिल्कुल नहीं छूना। ग्रहण काल में सोना और भोजन दोनों ही वर्जित है, यानी आपको ना तो खाना खाना है, नहीं सोना है, ना ही सोना है। दोस्तों, ग्रहण काल में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी ग्रहण लगता है इसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलता है, शुभ अशुभ देखने को मिलता ही है। ऐसे में सभी राशियों पर इसका असर देखा जा सकता है, लेकिन खासकर दोस्तों ये जो छह राशियां हैं ये बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है। इनको धन का अंबार मिलने वाला है, यानी धन का खजाना मिलेगा। साथ ही साथ ये करोड़पति बनने वाली है। ज़रूरतमंद लोगों को दोस्तों इस चंद्र ग्रहण में दान करना आपके लिए शुभ माना जाएगा। देवताओं की तो मूर्ति को भी छूना वर्जित है। इस दौरान कोई भी शुभ काम बिल्कुल ना करें, अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इस दौरान आप दान कर सकते हैं, जैसे कि अनाज वगैरह का, और दोस्तों इसमें तुलसी के पत्ते का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2024 का ये लगने वाला चंद्र ग्रहण आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है, और ये आपके जीवन में पैसे से जुड़े, धन से जुड़ी कोई भी समस्याएं हो आपको छुटकारा दिलाने वाला होगा। परंतु ये चंद्र ग्रहण हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राशियों के हाल। तो कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियाँ जिन्हें ग्रहण के दौरान सावधानियाँ बरतनी चाहिए और ये करोड़पति भी बनेंगी। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सबसे पहले राशि आती है यहाँ पर वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है। इस चंद्र ग्रहण वृषभ राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होगा। ये चंद्र ग्रहण आपके धन की आय को बढ़ा सकता है। इस चंद्र ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आय के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और किसी जॉब के लिए किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहतरीन साबित होगा। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, लोगों के प्रति आपकी खुशियां प्राप्त होंगी, साथ ही साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगली जो राशि आती है वो है कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों की, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं व्यवसाय में, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी। आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी कोशिशें रंग ला सकती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में
नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपकी प्रशंसा होगी। आप अपने पुराने मित्रों से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है। आप अपने आप को स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। अगली जो राशि आती है वो है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, बैंक से यानी कि लोन आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और दोस्तों अचानक से आय के नए नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आपकी ज़मीन जायदाद से जुड़े मामले में फैसले आपके पक्ष में आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति तुला राशि वालों मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही साथ नई जिम्मेदारी भी मिलेगी और आप अच्छे से कार्य भी कर रहे हैं तो इसकी प्रशंसा बढ़ेगी। दोस्तों अगली जो राशि आती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़रूरत पैसों की पड़ रही है तो आपको अचानक से कहीं से धन का भी लाभ हो सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत या सुधारने में काफ़ी अहम साबित होगा। दोस्तों आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों की प्रेम संबंध में काफ़ी मधुरता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और आपके लिए ये महत्वपूर्ण ग्रहण रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ ये समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है। आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकल सकते हैं। आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको शुभ परिणामदायक कहा जा सकता है। अगली जो राशि है दोस्तों वो है मेष राशि। हाँ दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों को इस ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनको धन से संबंधित चीज़ों का लाभ होने वाला है। अगर आप पैसा कहीं लगाते हैं जैसे लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में, तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो आपके रिश्ते टूट सकते हैं। परिवार के लोगों का भी ध्यान आपके ऊपर बैठ सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां आप पर भी आ सकती है। समझने का प्रयास करें और चंद्रग्रहण के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने में सहायता करेगा। आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय आप अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अगली राशि की बात करें तो अगली राशि है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण का जो प्रभाव है वो धनु राशि वालों पर रहेगा। आप अपनी संतान को लेकर चिंतित थे, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी या जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध है उनसे संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है। यह ग्रहण काल धनु राशि वालों आपके लिए शुभ साबित होगा। आपको यह ग्रहण धन से संबंधित कई चीज़ों में मुनाफा देगा, यहाँ तक कि गुप्त धन आपको दिला सकता है। यहाँ तक कि किसी गुप्त धन के चलते आप करोड़पति बन सकते हैं। पूजा पाठ में आपका
मन लगेगा। दोस्तों धनु राशि वालों, आप अपने सुख सुविधाओं के साथ धन ऐश्वर्य में, धन दौलत में भी वृद्धि करते नजर आएंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों साल 2024 में लगने वाला ये चंद्र ग्रहण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों अगली राशि जो है वो है मकर राशि। आपको यहाँ पर बेहद सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। आपको दुर्घटना से बचना है, आपको किसी भी लेन देन से बचना पड़ेगा। लेन देन के मामले में सतर्क रहें। हालांकि आपको रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। धन दौलत में वृद्धि होगी, आपके धन में आय में बढ़ोतरी हो सकती है। आप बिना किसी जॉब के भी धन कमा सकते हैं। लोगों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। सोच समझकर कार्य करें और वैवाहिक जीवन भी खुशमय रहने वाला है। लेकिन फिर भी मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है। कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है। चंद्रग्रहण लगने से कर्क राशि के जातक को सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। तामसिक भोजन का सेवन ना करें। व्यापार में घाटा हो सकता है और वाणी पर संयम रखें। कन्या राशि के जातक के लिए ये समय अच्छा नहीं रहने वाला है। सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी को कोई पैसा उधार ना दें। लंबी यात्रा पर जाने से बचें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सिंह राशि के जातक के लिए ये समय अच्छा रहने वाला नहीं है। सावधान रहने की ज़रूरत है। वाद विवाद से दूर रहें। गाड़ी चलाते समय सावधानी से चलाएं। मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखें। तो कुल मिलाकर कुछ चीज़ आपके लिए बेहतर है, कुछ चीज़ नहीं है। उसे आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण में आप शिव से संबंधित मंत्रों का जितना हो सके उतना जाप करिए। और दोस्तों शिव से संबंधित आप जैसे कि पुराणों या उनकी कथा वगैरह पढ़िए। दोस्तों आपको इस समय और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंत्रों का जाप करें। मंत्र स्तोत्र का जाप करें यानी ग्रंथों को पढ़ें, ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो कुल मिलाकर ये राशियां हैं जो करोड़पति बनने जा रही हैं चंद्र ग्रहण में। दोस्तों यूं तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। चंद्र ग्रहण से अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए राशि अनुसार कुछ उपाय और दान की चीज़ें बताई गई है। इन उपायों के करने से ग्रहण के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और दान करने से जीवन में सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव भी पड़ेगा। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण पर राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि। मेष राशि के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और कुश के आसन पर बैठकर तुलसी माला से ओम रीम श्री श्री लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जप करें। साथ ही ग्रहण के समय और बाद में गुड़, गेहूं, मसूर दाल, लाल वस्त्र आदि चीज़ों का दान करना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी और ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। ऐसे में ग्रहण के समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर श्री सूक्त का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में सफ़ेद चीज़ें जैसे दही, दूध, शक्कर, सफ़ेद कपड़े, कपूर, खीर आदि का दान अवश्य करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धन दान की कभी कमी नहीं होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं,
ऐसे में कुश के आसन पर बैठकर इष्ट देवों का ध्यान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में गाय को हरा चारा खिलाएं। हरी मूंग दाल, कांसे के बर्तन, हरी सब्जियां, हरे कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ग्रहण का अशुभ प्रभाव भी दूर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में ग्रहण के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और ओम रिं हृणाय गर्भाय अव्यक्त रूपने नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में सफ़ेद चीज़ें जैसे मोती, सफ़ेद कपड़े, शक्कर, चावल, दूध या दूध से बने मिष्ठान आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से जीवन में समृद्धि आएगी और मन में हमेशा शांति रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य है। ऐसे में ग्रहण के समय कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और ओम क्लीन ब्रह्मणे जगत धाराय नमः मंत्र का जप करते रहें। साथ ही रात को सोते समय 5 बादाम और 5 मूली सिरहाने रखकर सोए और सुबह उठकर ग्रहण से पहले मंदिर में दान कर दें। ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन, लाल व नारंगी कपड़े आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में सूर्य जैसा प्रकाश आएगा। कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। ऐसे में ग्रहण के समय कुश के आसन पर बैठकर तुलसी माला से ओम पीताम्बरय नमः मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में हरी मूंग दाल, कांसे के बर्तन, गाय को हरा चारा खिलाएं। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव है, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय लक्ष्मी स्तोत्र या दुर्गा सप्तशती का मानसिक पाठ करें और ओम ऐं क्लीं सौमाय नमः नामाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय सुंदर कांड या शनि चालीसा का पाठ करें और ओम शन शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय शनि चालीसा या कृष्ण चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हरी सब्जियां, हरे कपड़े, हरे फल आदि चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होगी और शुभता बनी रहेगी। मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह को माना गया है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहेगी। इसके साथ ही आपको सुख समृद्धि एवं वाहन सुख मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।